ओडिशा कृषि यूट्यूब चैनल को स्वागत। सरकार वर्तमान सफल वेबसाइट लॉन्च कर सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। कृषक आउ एग्री एंटरप्राइज बा कृषि उद्योगी मान को सहजरे केमती लोन मिल पार से बाबद सरकार पोर्टाल टा लॉन्च कर माध्यम रे आपण माने आवेदन करें कमी आवेदन करेंगे कौन करेंगे से विषय में किसी वीडियो भी अपलोड ऑलरेडी हो गला आपण माने सेटा देख पारे कि मोर निर्दिष्ट भाव में किसी ता पूर्व कथा आपण मानक जाना पड़ो विशेषकर चाषी भाई मैंने तो निजे पोर्टाल जा आवेदन प्राय करेनि आमर जनसेवा केन्द्र हिं करेंगे तो जनसेवा केन्द्र जो मैंने काम करती से मैंने जाना बेस जरूरी आई मुझा भिडटा या प्रथम है सरकार आपणकर मुझे देखुली 49टा बैंक सांगे सरकार एवं टाइप कर सहित जोजोग अच्छा तथ्य यही मध्यम से पाई तो तद्वारा सुविधा कह रहा हे सरकार जापरवे जे केत आवेदन कले कौ कौ प्रकल्प आवेदन करते टा आवेदन कर स्थित कौन केत शीघ्र से लोन पाईपार कि ना कि कौन असुविधा हो तेणु सुविधा हम मॉनिटर करिया को आगर कौन होता आप गोटे लोन कले से लोनटा कौन हो बैंक को जा बुझा पड़ा कि बहुत दिन हो गले आपठी कम्प्लेन करते केत जिलार जिलापा को मीट नहीं बैंक बाला कहते करदि से करदि कहीं हेनी कि सरकार ये बसिक भी जापर आंक मुख्य कार्यालय सहित भी जोजोग करी सी ताक मनिटर करीघ्र कमी आप लोन पाइपर से विषय में चिंता करेंगे तेनाली सरकार को सुविधा बैंक बाला भी जापर अनलाइन जेहतु आप्लाय हो तो केतेज आप्लाय करो स्कीम्रे आप्लाय करते आग्रह अच्छा तेणु बैंक बाला भी आग्रह देखे कमी शीघ्र शीघ्र लोन देहब लोक को तेणु सरकार को सुविधा बैंक को सुविधा आपण मान को सुविधा कौन कि आपड़ गोटे आप्लाय करदेला बैंक को जाकि जो बुझा चेषा करते न जाकि देखते आप स्क्रीन रे आवेदन स्थित कौन से दिन स्थित कौन पोजिशन कौन आप्लिकेसन केत दूर पहुंची कि आप्लिकेसन किसी असुविधा अच्छी कि आउ किसी डक्यूमेंट दरकार से विषय से जापर आपको खबर पापर निजे ही से अनुसार काम आगे पारे यही सफल वेबसाइट विषय में देखते ये बर्तमान पर्यटन ऋण किसी दिहाइन जेहतु नुआ वेबसाइट दु तीन दिन होती परिस्थिति अच्छी सफल लोन पोर्टाल छड़ा ता पूर्व कथा मत कहीं कह आग्रह कारण से आठ कहीं जड़ई ना आपण मन में गुड़े प्रश्न थोड़ा जेहतु ये नुआ पोर्टाल गुड़े प्रश्न थी मो मन में जितकी प्रश्न आसला तार समाधान कि तार उत्तर मुझे देवा चाहिए प्रथम है यहाँ हूँ ऋण आवेदन पोर्टाल आपको केवे भी आप सब्सिडी सांगे जोड़े ऋण पोर्टाल अलग सब्सिडी अलग आपण सब्सिडी पाई हेले आपण फेर जीवा पड़ो गोसुगम पोर्टाल को जमी कही गोसुगम सुगम पोर्टाल ये गोसुगम आप स्कीम्रे के सब्सिडी अच्छी से जानवे ये उदाहरण दौरान ये गोसुगम पोर्टाल मुझे खोली ये देखो ब्रॉयलर फार्मिंग आप जाना चाहिए तो गाइडलाइन देखिए तो गाइडलाइन अच्छी केत सब्सिडी कौन तेणु गो सुगम आपड़ सब्सिडी विषय जानवे कौ स्कीम्रे के सब्सिडी अच्छी आ गाइडलाइन जी तार डिटेल जी आठ जहाँ भी आपन को सरकारी कार्यालय किसीटा प्रारंभिक तथ्य आपड़ पचारिक बुझाक पड़ो सब जिन ऑनलाइन रु संभव नुह गो सुगम ही आप सरकारी सुविधा सुजोग कौन से पाइबे सब्सिडी केतरे सफल को जोड़े ना कारण सफलटा केवल गोटे लोन एप्लीकेशन माध्यम कराई लोन मिल आप सब्सिडी नियंतु न नियंतु कि अलग कौ काम लोन नियंतु लोन कराई तेणु सीटा गोटे मन में पूरा क्लीयर मूल रखी दिंतु जो सब्सिडी आ लोन अलग द्वितीय है जे आपण मैंने भावुवे जेहेतु सफल गोटे पोर्टाल कराई आप बाध्य सफल थ्रु रे ही अप्लाय करेंगे लोन सेमती नुह आपण एवं जमी जड़े लोन बैंक को जाकि लोन अप्लाय करके लोन पाइपार जदि योग्य होमती भी करेंगे सफल गोटे आडिशनाल गोटे एक्सट्रा गोटे अधिकंतु कराई सरकार सुविधा हे समस्त सुविधा हे किसी आगु कही समस्त किसी सुविधा हे या द्वारा या मध्यम आवेदन कले आ द्वितीय जिनस हूँ जेहेतु बैंक मैंने सरकार संगे टाइप कर तेणु आप कृषक ओडिशा रे कृषि हिसाब से जो मैंने भी इनफर्मेसन रजिस्ट्रेसन कर बारंबार आई इनफर्मेसन गुड़ा फेर बैंक को देवा पड़ोनी कारण बैंक डायरेक्टली
लिंक रही कृषक ओडिशा सांगे, तो सेठ इनफर्मेशन नहीं जाओ, तो काम करने को बैंक बाला को भी सहज हम आपन को भी सुविधा हे। से सफल सांगे कृषक ओडिशा सांगे भी लिंक अच्छी, तेणु सफल मध्यम आप्लाय कर सेटा आउ गोटे सुविधा जे कामटा सहजरे हे, बहुत गुड़े बारंबार रिपीटेड काम करने को पड़बनि। तो प्रथम कथा है जे सफल हो गला बोली आम लोन करदे कि लोन करने बाध्य सेमती किसी ना, आमर लोन दरकार कि ना प्रथम आगे जाणी। आम गोटे प्रकल्प मन कर चिंता कले गो सुगम रे मन कर गले जानले जे आम गो सुगम रे एटी ब्रॉयलर फार्मिंग पे सरकार सब्सिडी दे ब्रॉयलर फार्मिंग गोटे करी, तेणु मोर लोन दरकार। ठीक अच्छे, एटी आपण देखंतु बैंक ऋण उत्पाद ये सफल रे बहुत गुड़े जिनस अच्छी मूल पृष्ठ अच्छी पोर्टाल विषय जानवे से जानवे, किंतु मुख्य है बैंक ऋण उत्पाद मानने बैंक मैंने कौ कौ जिनस ऋण देवाई ये सफल मध्यम ऋण देवे सहीटा ये से डिक्लेयर कर सफल मध्यम लोन आप्लिकेसन ये गुड़ा एवं आम ग्रहण करूँ। तो आपण कितु एटी जावा दरकार नहीं, आपणकर रिसर्च आपण जानवे केमती, कारण आपण आपण ब्लक ही लोन अप्लाई करेंगे, तेणु आपण ब्लक कौ बैंक अच्छी से बैंक कौ विषय लोन दौर उदाहरण दूसरी एटी आप देखिए जे 39 बैंक्स ये जी लोन लोड मोर मारिक देखिए 39 बैंक्स रजिस्ट्रेशन कर सब बैंक आप ब्लक न ब्लक गोटे उदाहरण दिंतु मन को जी देवगढ़ देवगढ़ बारकोट को जातु ये रहा के पांचटी बैंक ही आपणकर बारकोट्रे सफल रजिस्ट्रेशन कर आपण मानकर ये पांच टी बैंक आप पसंद है कि कौ कारण ये पांच टी बैंक ऋण ना चाहिए तमें नुह ऋण वंचित हो ऑफलाइन ले जाकर जमी सीधा बैंक सहित जोगाजोग कर ब्लक अन्य बैंक लोन नहीं पारे, कि वर्तमान पर सफल पोर्टाल यही पांच टी बैंक रजिस्ट्रेशन कर पांच टी बैंक टाइअप कर तेणु आपड़ ये जाकि देखिए ये गोटे बैंक सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर सबमिट करूँ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बारकोट ब्लॉक रे सातटा जिनस से लोन देवाई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रे सफल माध्यम रे यही सातटी जिनस अप्लाई करि पारिबे ऑनलाइन रे। तो ये देखो कौन कौन से कही एस एच जी लोन फॉर एनआरएलएम कैटेगरी एस एच जी लोन मानने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायक गोष्ठी को लोन दूसरी फाइनेंशियल फाइनेंस टू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ मान को दौर एग्रीकल्चर गोल्ड लोन दौर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन दौर लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्म एक्टिविटी। मुझे जो कहली आप गोसुगम को जाकर देखिले ब्रॉयलर फार्मिंग टे चाहते गोसुगम को गले सेठी देखिले ब्रॉयलर फार्मिंग रे सब्सिडी अच्छी मुझे यहाँ करी। तो वर्तमान ब्रॉयलर फार्मिंग आपको से जो बैंक को जाती से बैंक ब्रॉयलर फार्मिंग रे आपको दौर कि नाई बर्तमान सफल जाटा देखिए ये देखिए जाकर सेंट्रल बैंक आपको ये दे एग्रीकल्चर एंड अलाइड पर्पज उद्देश्य कौ कौ उद्देश्य से लोन दब ये लिखला फाइनेंस टू इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फार्म एलएलपी पार्टनरशिप फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एपीओ कंपनीज एंगेजिंग इन एंगेज्ड इन एग्रो रिलेटेड एक्टिविटी कृषि संबंधी कार्यक्रम पर सीए लोन दब बोली कौच आउ इंडिविजुअल को लोन दब आप जन जब इंडिविजुअल मानने जड़े व्यक्ति तेणु आपड़ एलिजिबल होती यही अच्छा एलिजिबिलिटी ये आउ किसी जिनस एग्रीकल्चर बिजनेस यूनिट्स लाइक फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इत्यादि इत्यादि जहाँ भी दे फार्मर टाइप 18 वर्ष अधिका हो मैक्सिमम लोन 50 लाख पर्यंत से दब कि गोटे कोटी हम लोन हूँ 1 ईयर टू 9 ईयर्स इंटरेस्टेड एज पर लोन अमाउंट सी लिखी ना सीटा आपको फेर जा बैंक में बुझाक पड़ो कि आप्लाय कला जो आप्लाय करके बाकी डॉक्यूमेंट देवे से कह प्रोसेसिंग चार्ज नब रिपेमेंट है रिपेमेंट 9 ईयर्स एथी इनफर्मेशन आपको जे मोटामोटी अल्प किसी इनफर्मेशन दे सब इनफर्मेशन आपको ये देनी तथा आप विषय तो जदि आप बैंक को सिलेक्ट कले से बैंक सेंट्रल बैंक को सिलेक्ट कले ताहले आपण पाई पारिबे जो ब्रॉयलर फार्मिंग करने चाहते से पाई से भाई आपको ये गोटे गोटे करी बैंक को जाकि चेक करा पड़ो किए किए दौंट आर टर्म्स एंड कंडीशन कौन पीएनबी एटी 20टा प्रोडक्ट आपण ब्लक सी देवाई राजी अच्छी सफल ये भी देखो ये हे तो सीपे आपणकर पोल्ट्री ये अच्छी ये पोल्ट्री अच्छी देखते तो सी आपन को पोल्ट्री पीएनबी भी दौर कि टर्म्स एंड कंडीशन कौन सीठी किसी लिखी ना
ପୁଣି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ସେଇଟା ବୁଝିବେ ଯେ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ, ଏବେ ନୂଆ ବୋଲି ସିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପିଏନ୍ବି ବି ଦେଉଛି, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିସିସିବି ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇଟା ଦେବ କି ନାହିଁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଫର୍ ଡାଇରୀ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଫର୍ ହର୍ଟିକଲଚର, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଫର୍ ଫିସରୀ, ମିଡ଼ିୟମ୍ MTFS ଲୋନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଫର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୋଲଟ୍ରି ପାଇଁ ନାହିଁ, ଡାଇରୀ ପାଇଁ ଦେଲା, ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ ଦେଲା, ଫିସରୀ ପାଇଁ ଦେଲା, ଏ ଟ୍ରାକ୍ ବୋଧେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିବ, ଏଠି ଲେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ନାହିଁ, ଏଠି କ୍ଲିୟର କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟାରୀ ପାଇଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲଟ୍ରି ପାଇଁ ଇଏ ଦେଇନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର DCCB। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମାନେ ସଫଳ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇନଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଖୋଲିଦେଲା କାଲି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲୋନ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ସେଥିରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସଫଳ ସିନା ହେଇଗଲା, ସଫଳ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିନଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜଣେ ହେଲା କୃଷକ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଫାର୍ମର ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଏଗ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର, ମାନେ କୃଷକ ଆଉ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ। କୃଷକ ଯଦି ହେଇଥିବେ ସିଏ ଯିବେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କୃଷକ କି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଯଦି କୃଷକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଯାଇ କରିପାରିବେ, ଯଦି କରିନଥିବେ ଏଠିକି ଗଲେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେଇ କୃଷକ ହେଇଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ନେଇଯିବ ଫେର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲକୁ, ସେଠି ଯାଇକି ପୁଣି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛି କି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଆଗେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବେ କି କରିସାରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସୁବିଧା ହେଇଛି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କେଉଁଟା, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯିଏ ବି ହେଇପାରିବ, ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୋର ଗୋଟେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋକାନଟେ କରିବି କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇପାରିବି, ଛୋଟିଆ କିଛି ତେଲ ମିଲ୍ କି ଡାଲି ମିଲ୍ ପକାଇଲି ମୁଁ ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇପାରିବି, ବିଜନେସ୍ କରିବି କେଉଁଠୁ କିଛି ପରିବାପତ୍ର କିଣିଲି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲି, ଗୋଟେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭ୍ୟାନ୍ କଲି, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ। ତ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆଗେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ନା ଆଧାର ନମ୍ବର ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହଁ, ନା ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକରି OTP ଆସିବ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ପଶିବେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଇକରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସେଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବେ, ବାକି ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, ପରେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଇଛି କୃଷକ ଆଉ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ ସୁବିଧା ସହଜରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ତା ପଛପଟର କିଛି ସନ୍ଦେହ ବା ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଠି ଜଣା ହେଇନି ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଚାଷୀ ଆଉ ମେନ୍ଲି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେବେ ଲୋକ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।